नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SP फार्मेसी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी। हम आज आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, उसके डिविजन्स और उसके स्कोप की स्टडी आज इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे सभी वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम ड्रग के एक्शन और उसके अफेक्ट की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी दो ड्राइव्ड वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोज। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और लोगोज का मतलब है स्टडी इन ड्रग, मतलब ड्रग की स्टडी करना। इसमें मुख्य रूप से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक एक्सोजीनियस केमिकल के बीच होने वाली बातचीत का अध्ययन शामिल है, जो ड्रग की बायोकेमिकल फंक्शनिंग को बदल देता है। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस को फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस माना जाता है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग वेरियस प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे नॉन टॉक्सिक इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट, ड्रग इफ़ेक्ट और ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक स्ट्रक्चर आदि। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम इसमें करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है रुडोल्फ बुच्चेन के द्वारा फार्माकोलॉजी की शुरुआत की गई थी, जिसने 1847 में जर्मनी में फार्माकोलॉजी के पहले इंस्टीट्यूट की खोज की थी। फार्माकोलॉजी के पिता का नाम ओसवाल्ड सचमेडिबर्स है। अब बात करते हैं इसके डिविजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके टू मेन डिविजन्स हैं, नंबर एक फार्माकोकाइनेटिक, नंबर दो फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में ड्रग का क्या मूवमेंट है। इसमें हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आदि, इन सभी प्रोसेस की स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक दो ड्राइव्ड वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और काइनेसिस। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक, इसका दूसरा डिविजन्स। फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम ड्रग के पावर की स्टडी करते हैं कि हमारी जो ड्रग है, ड्रग हमारी बॉडी पर अपना क्या एक्शन शो करती है, ड्रग की क्या एक्टिविटी हमारी बॉडी में होगी, इसी प्रोसेस की स्टडी हम इसमें करते हैं। फार्माकोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और डायनेमिस। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब है पावर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्कोप की। स्कोप इसके पांच प्रकार के हैं, नंबर एक कीमोथेरेपी, नंबर दो टॉक्सिकोलॉजी, नंबर तीन फार्माकोथेरापीटिक, नंबर चार फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, नंबर पांच फार्माकोजेनेटिक। पहला स्टार्ट करते हैं, पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को इन्फेक्शस डिजीज़ के उपचार में केमिकल कंपाउंड के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट है टॉक्सिकोलॉजी। जहरीले पदार्थ या जहर से निपटने वाले विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तीसरा पॉइंट फार्माकोथेरापीटिक, इसका मतलब वेरियस मेथड्स और सिस्टम से है जो डिजीज़ का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं।
ऐसे सिस्टम से इसके यह कनेक्ट है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में ड्रग के उपयोग और एक बड़ी आबादी पर उसके प्रभाव का अध्ययन शामिल है। पांचवा पॉइंट है फार्माको जेनेटिक। फार्माको जेनेटिक का अध्ययन अनुवांशिक भिन्नता को पहचानना जो व्यक्तियों के बीच प्रतिक्रिया में अंतर की ओर जाता है। फार्माकोजेनेटिक का उद्देश्य सही खुराक में सही व्यक्ति को सही दवा वितरित करने के लिए डीएनए में मौजूद जानकारी का उपयोग करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों बेल आइकन दबाने से क्या होगा, दोस्तों जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।